हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास के थ्रू मैं शेयर करूंगा एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से आई है और ये ऑफिशियल न्यूज़ है। इसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा है कि वो 2 साल के अंदर अंदर शीघ्र ही 72,000 गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज़ को फिल करेंगे। तो इस पूरी न्यूज़ को, इस पूरी ऑफिशियल न्यूज़ को हम पढ़ेंगे यहाँ पर और इसका डिटेल जानेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकती है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस न्यूज़ को। देखिए, ये ऑफिशियल न्यूज़ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ड्राइव, द जॉब्स प्लान 72,000 पोस्ट टू बी फिल्ड इन टू फेजेस ओवर 2018 एंड 2019। ये ऑफिशियल न्यूज़ है और इसमें 72,000 गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज भरी जानी हैं 2018 में और 2019 में। आप यहाँ पर देख सकते हैं सामने, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सीएम है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने ये ऑफिशियल रिलीज दिया है। और ये कहाँ कहाँ पर ये भर्ती की जाएंगी, इन टू फेजेस ओवर 2018 एंड 2019, रिक्रूटमेंट मेनली इन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, इन दो डिपार्टमेंट में मेनली भर्ती होंगी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। और 72,000 गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज होंगी जिसमें से 36,000 2018 के एंड में भरी जाएंगी और बाकी की जो वैकेंसीज हैं वो 2019 में भरी जाएंगी। तो यहाँ पर हम इस न्यूज़ को पूरा पढ़ेंगे, इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखें। द रीज़न एन ऑफिशियल गवर्नमेंट रिलीज सैड मूव वॉज टू स्ट्रेंथन रूरल गवर्नेंस। देखिए, मोदी गवर्नमेंट भी रूरल गवर्नेंस के ऊपर काफ़ी काम कर रही है और इसी को स्ट्रेंथन करने के लिए ये ड्राइव चलाया जाएगा, रिक्रूटमेंट ड्राइव। और 2018 और 2019 में ये सारी वैकेंसीज निश्चित रूप से फिल की जाएंगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस न्यूज़ को। हाउ एवर मैनी सी इट एज एन अटैम्प्ट बाय द देवेंद्र फडणवीस गवर्नमेंट टू प्लैकेट वोटर्स फ्रॉम रूरल पार्ट्स अहेड ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली पोल। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी डेवलप हो रही है तो वैकेंसी निश्चित रूप से आएंगी। फाइनेंशियल इफेक्ट, द मास रिक्रूटमेंट कुड अफेक्ट द स्टेट्स ऑलरेडी ग्रोइंग सैलरी बिल विच बैलून टू फोल्ड इन द पास्ट 8 ईयर्स। मतलब पास्ट 8 ईयर्स में, पिछले 8 साल में जो सैलरी बिल है वो डबल हो गया है और 25,900 करोड़ का बिल हो गया है। लेकिन ये वैकेंसीज निश्चित रूप से आएंगी। इसमें हम देखते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज, तो यहाँ से इसको देखते हैं। इन द वेक ऑफ जॉब रिक्रूटमेंट्स इन द कंट्री एंड टू स्ट्रेंथन द रूरल गवर्नेंस, रूरल गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए और जॉब रिक्रूटमेंट के जो ड्राइव्स चल रही हैं अलग अलग जगह, जो वैकेंसी आ रही हैं लाखों की संख्या में, जैसे अभी SSC और बैंक PO, बैंक क्लर्क में जो वैकेंसी आई हुई हैं, ठीक है, उसी के बाद से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो वैकेंसी निकालेंगे और 72,000 वैकेंसीज को 2 साल के अंदर भरा जाएगा। महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस अनाउंस्ड ऑन वेंसडे दैट ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स द गवर्नमेंट विल होल्ड रिक्रूटमेंट्स फॉर 72,000 वैकेंसीज मेनली इन इट्स एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स। तो ये सीएम ने ये स्टेटमेंट दिया है, महाराष्ट्र के सीएम ने ये स्टेटमेंट दिया है और ऑफिशियल ये रिलीज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस ऑफिशियल गवर्नमेंट रिलीज सेड दैट द वैकेंसीज विल बी फिल्ड इन टू फेजेस। टू फेजेस में ये वैकेंसीज होंगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन द फर्स्ट फेज 36,000 यानी 36,000 पोस्ट विल बी फिल्ड बाय द एंड ऑफ 2018, यानी इसके सेकेंड हाफ में, 2018 के सेकेंड हाफ में ये सारी वैकेंसी 36,000 जो वैकेंसीज हैं ये भरी जाएंगी। तो ये बहुत बहुत ही बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं कंटिन्यूसली। एंड द रिमेनिंग पोस्ट विल बी फिल्ड नेक्स्ट ईयर। द वैकेंसीज विल बी क्रिएटेड फॉर द पोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, होम, पब्लिक वर्क, पब्लिक हेल्थ, वाटर रिसोर्सेज एंड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। तो इन डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी रहेंगी और जो भी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और उसका वेट कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए, मैथ्स की, रीजनिंग की, इंग्लिश की और GK की अपनी तैयारी आप करते रहिए और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और निश्चित रूप से ये वैकेंसीज आएंगी। दिस इज़ ए ग्लैड टाइडिंग, मतलब ये एक अच्छी खबर है फॉर महाराष्ट्र नेटिव्स आफ्टर ए लॉन्ग वेट ऑफ 3 ईयर्स व्हेन द स्टेट बैंड क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट इन 2015। मतलब 2015 में उन्होंने नई पोस्ट का क्रिएशन बंद कर दिया था, तो उसके बाद से कोई वैकेंसी नहीं आई है महाराष्ट्र में।
एंड रिस्ट्रिक्टेड रिक्रूटमेंट ओइंग टू द राइजिंग वेज बिल, मतलब जो राइजिंग सैलरी बिल था, जो सैलरी का बिल जो बढ़ता जा रहा था गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का, उसके मद्देनज़र ये जो वैकेंसीज हैं इनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। लेकिन अब ये वैकेंसीज 2018 और 2019 में इन पोस्ट के लिए भरी जाएंगी। यहाँ पर हम और इसको देखते हैं, इसमें क्या लिखा है। द रिक्रूटमेंट न्यूज़ केम आउट आफ्टर फडणवीस गवर्नमेंट इज ग्रैपलिंग टू हैंडल रूरल डिस्ट्रेस कॉज्ड बाय एग्रेरियन इशूज, लैक ऑफ जॉब्स एंड द पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स एम्बिशियस फार्म लोन वेबर स्कीम्स। तो इनकी जो गवर्नमेंट जॉब, इनके जो रूरल डिपार्टमेंट है उसमें बहुत प्रॉब्लम चल रही है, और उसमें ये स्ट्रगल कर रहे हैं, उसमें ये प्रोग्रेस और ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए ये इन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, और ये वैकेंसीज निश्चित रूप से भरी जाएंगी 2018 और 2019 में, 36,000 और 36,000, इस तरह से ये भरी जाएंगी। द ऑफिशियल्स डाइवल्ज दैट द मोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट टू बी फिल्ड अप आर इन द रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ऑफिशियल जो गवर्नमेंट जॉब के जो जो ऑफिशियल हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, उन्होंने ये बताया कि ज़्यादातर जो वैकेंसीज हैं वो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में रहेंगी विथ 11,005 जॉब्स। दिस बीइंग अ प्रपोटिशस अपॉर्चुनिटी फॉर जॉब सीकर्स माइट ब्रिंग द करेंट गवर्नमेंट इन द गुड बुक्स ऑफ यूथ ऑफ द कंट्री। हाउ एवर द डिसीजन कुड कम एट ए कॉस्ट फॉर अफेक्टिंग द स्टेट गवर्नमेंट्स एनुअल सैलरी बिल आफ्टर एन अपसर्च इन नंबर ऑफ गवर्नमेंट जॉब पोस्ट। डेफिनेटली गवर्नमेंट का जो एनुअल सैलरी बिल है वो तो बढ़ेगा ही, लेकिन गवर्नमेंट को ज़रूरत रहेगी इन यूथ की, क्योंकि गवर्नमेंट का जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो थोड़ा सा पिछड़ रहा है, वो स्ट्रगल कर रहा है, तो इसलिए वैकेंसी निश्चित रूप से भरी जाएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। आगे हम देखते हैं, इट इज़ होप्ड दैट द एफर्ट बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र विल एक्सपीडाइटेड स्कीम्स। इनकी जो स्कीम्स चल रही हैं उनको एक्सपीडाइट ये नहीं कर पा रहे हैं, और उनको ये तेज गति से आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इट इज़ होप दैट द एफर्ट बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र विल एक्सपीडाइट इट्स स्कीम, मतलब ये जो गवर्नमेंट जॉब की भर्ती का जो ड्राइव है, इससे गवर्नमेंट के पास जो स्किल्ड लोग आएंगे उससे वो अपनी स्कीम्स को, रूरल डेवलपमेंट की जो स्कीम्स हैं उनको वो एक्सपीडाइट कर सकते हैं, यानी उसको तेजी एक दे सकते हैं, उसको एक गति दे सकते हैं। एंड ब्रिंग द हाउस डाउन टू इम्प्रूव द रूरल स्टेटस एंड कंडीशंस दस फुलफिलिंग जॉब रिक्वायरमेंट ऑफ द एस्पिरेंट्स। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के लिए, और ये रियल खबर है, ये कोई फेक खबर नहीं है, इसको आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं कहीं से भी। तो ये एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, और गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के लिए इंग्लिश एडवांटेज टीम की तरफ से एक बेहतरीन ऑफर चलाया गया है, और ये केवल 22 मई तक वैलिड रहेगा। इसमें आप एक कोर्स की फीस में, जो कि 2,450 रुपये है, इस एक कोर्स की फीस में आप तीनों कोर्स कर सकते हैं, बैंक पीओ का, बैंक क्लर्क का और एसएससी सीजीएल का। और ये तीनों ही कोर्स की जो वैलिडिटी मिलेगी आपको वो लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलेगी, इसको आप मोबाइल पर भी चला सकते हैं, और यहाँ पर आप पूरा डिटेल दे सकते हैं। इस कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो मुझसे आप इस नंबर पर बात कर सकते हैं, और इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसका डिटेल आप प्राप्त कर सकते हैं। ये ऑफर भी अभी चल रहा है, 6 awesome e-books, और इसमें 2,500 वर्ड्स की वोकेबलरी आप कवर कर सकते हैं। इन 6 e-books को आप केवल और केवल 99 रुपीज़ में आप ले सकते हैं। तो ये थी एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से। यदि ये वीडियो क्लास और यदि ये न्यूज़ आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करें, और इस चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।